बिहार में अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है तो आपकी सरकार का पहला काम क्या होगा? क्या सरकार बिहार के किसानों का कर्ज माफ करेगी? ये पहला सवाल है आपसे। सबसे पहले तो जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं और सब लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया है ट्विटर पे, जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं, उन सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं। और मैं मानता हूँ कि एक आज जो ट्विटर चौपाल जो लगाया गया है, इसके लिए मैं ट्विटर इंडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि एक मौका जो है मुझे मिला है, एक प्लेटफॉर्म जो है वो मुझे मिला है, ताकि सब लोगों के जो सवालात हैं उसको मैं ले सकूं। और कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल जो है उसको आप पूछ सकते हो और उसका जवाब मैं बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को देने का काम करूँगा। और जो पहला सवाल जो ढिल्लो जी ने पूछने का काम किया है, अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले अगर हमारी सरकार अगर बनती है तो बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जिस प्रकार से आज के हालात में हमारे चाचा यहाँ 15 साल से मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से लोगों की जो उम्मीद थी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिहार में सुधरेगी, लेकिन आप अगर क्राइम रेट अगर देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, तो हमारे चाचा के शासनकाल में काफ़ी जो है, और ख़ास तौर पे जब बीजेपी के साथ जब मिलकर के सरकार बनाने का काम किया तो काफ़ी क्राइम जो है वो बढ़ा है, स्पेशली महिलाओं पे। आप देखेंगे कितने गैंग रेप्स हो रहे हैं, कितने अत्याचार महिलाओं पे हो रहा है, ख़ासतौर पे मर्डर्स हो रहे हैं, जितने भी व्यवसायिक हैं उनके भी मर्डर्स हो रहे हैं लगातार, और क्रिमिनल्स का जो है बोलबाला है। यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी जी, वो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं कि पितृपक्ष का महीना है, आप छोड़ दीजिए, यानी अपराधियों का एक तरह से मनोबल जो है वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको हम लोग हर एक तरीके से दुरुस्त करने का काम करेंगे, और जो भी कल्प्रिट्स है कि कोई फेवर ना करते हुए, कोई प्रोटेक्शन ना देते हुए, उनको जो है सज़ा दिलाने का काम करेंगे और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जहां सब लोग जो हैं फ्रीली रह सके और एक उदाहरण बने बिहार राज्य, और दूसरे राज्यों में भी संदेश जाए कि बिहार जैसे राज्य में जिस प्रकार से लोग बदनाम हैं कि वहां मत जाओ, वहां क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो उसको हम लोग है सुधारने का काम करेंगे। दूसरी बात, एजुकेशन जो है, एजुकेशन पे हम लोगों का खास तौर पे फोकस रहेगा, क्योंकि एजुकेशन जिस प्रकार से जो स्तर, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो लोगों को मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और आप देखिएगा, अगर किसानों की जहाँ तक इन्होंने बात करने का काम किया है, तो हम इतना कहेंगे कि किसानों के कर्ज माफ़ी के साथ साथ किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, उनकी आय कैसे बढ़े, इस पे हमारी सरकार जो है विशेष तौर पे ध्यान देने का काम करेगी। तो ये सवाल जो अगला है वो प्रेमानंद प्रसाद की तरफ से है। आप और आपकी पार्टी का बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट क्या है? आप कैसे बिहारियों को सम्मान दिलाएंगे और क्या आपकी पार्टी जाति के राजनीति से ऊपर आ पाएंगे? आप सत्ता में आए तो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल पाएंगे? ये सवाल है। आप देखिए, जो ब्लूप्रिंट है वो ऑल ओवर डेवलपमेंट का होगा, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, जॉब क्रिएशन की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, जो हेल्थ सेक्टर जो है अपना, दूर दराज से लोग जो हैं बिहार के लोग दिल्ली जाकर के इलाज कराने का काम करते हैं, दूसरे शहर में जाकर के इलाज कराने का काम करते हैं, एजुकेशन को लेकर के खास तौर पे बिहार का पैसा जो एजुकेशन का दूसरे राज्यों में जितना बाहर जाता है वो काफ़ी हद तक जाता है, तो हमारी कोशिश होगी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, जिसमें कि सिर्फ एजुकेशन, जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्री क्लस्टर वाइज जो है ये सारा काम हम लोग करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम स्पोर्ट्स पे भी उतना ही ध्यान देने का काम करेंगे, आर्ट एंड कल्चर पे भी उतना ध्यान देने का काम करेंगे। और आप जानते होंगे कि बिहार का इतिहास जो है काफ़ी बड़ा है, और बिहार में आप देखिएगा कि इतना इतिहास है, बुद्ध की धरती है, यहीं महावीर जी के जन्म हुआ, सब कुछ यहीं है, सीतामढ़ी में सीता मैया का जन्म हुआ,
तो आप देखिएगा कि आप टूरिज्म के लिए भी आप बहुत हद तक यहाँ काम किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से ऐसी ऐसी जगहें हैं बिहार में, अब जैसे आप देखिएगा सासाराम में जिस प्रकार से जो मज़ार है वहाँ शेरशाह सूरी जी का, तो इस तरह के जितने हर जगह जो हैं चीज़ें हैं, इतना घूमने का आप कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इतना एक्सपोजर कर सकते हैं। आप चंपारण साइड में चले जाइए तो वहाँ वाल्मीकि नगर का जो है जो नेशनल आपका जो फॉरेस्ट है, वो सारे चीज़ों को आप देख करके हर एक काम किया जा सकता है, टूरिज्म पे ध्यान दिया जा सकता है। स्पोर्ट्स में आप देखिएगा बिहार में स्पोर्ट्स कल्चर है ही नहीं, जो भी प्रतिभाशाली जो इतने भी खिलाड़ी थे उनको बाहर जा कर के ही दूसरे राज्यों से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, खेलना पड़ता है, बहुत ही स्कोप है बिहार में। और आप देखिएगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में मखाना, आप देखिएगा कई इलाकों में मिथिलांचल चले जाइए, दरभंगा या मधुबनी, तो मखाना इतना है। हमारे हाजीपुर में जो हमारा क्षेत्र है राघोपुर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम आते हैं, वहाँ केले का इतना है, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी आप खोल सकते हैं, उस पर विशेष तौर पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। और मखाना तो दुनिया भर में आप जानिए कि दुनिया में उसकी मांग होने लगी है, अमेरिका में भी उसकी डिमांड होने लग गई है। तो जॉब क्रिएशन जो है अपने स्टेट में रहे, लोगों को जो है बाहर ना जाना पड़े, आईटी पार्क हो इसमें भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है इसमें हम लोग ध्यान दे करके ऑलराउंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बना करके हम लोग जितनी भी योजनाएं हैं उसको हम लोग चालू करने का काम करेंगे। और ख़ास तौर पे देखिएगा डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब आपके अधिकारी जो हैं वो काम करें। आज की जो स्थिति जो बनी हुई है, एकदम से कोई योजना आप देख लीजिए मौजूदा सरकार में, हम लोग जब सरकार में थे तो हम लोगों ने एक कैबिनेट में हमारे पास किया गया था ईज ऑफ डूइंग सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट, यानी अलग अलग आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहे वो एक ही जगह से हर एक चीज़ का परमिशन ले सके। तो ये दो चीज़ें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम लोग ध्यान देने का काम करेंगे। और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इन सारी चीज़ों पे हम लोग जो है वर्कआउट करने का काम करेंगे, जिससे हमारे बिहार का नाम रोशन हो। और हम लोग चाहते हैं बिहार जैसा बैकवर्ड स्टेट जो है वो आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए आप देखिएगा कि उसको भी सहयोग की ज़रूरत है। केंद्र सरकार पे जब तक आप दबाव नहीं डालिएगा, अब मोदी जी आते हैं ऐलान करके जाते हैं कि बिहार को वो पैकेज देंगे, 2014-15 के इलेक्शन में उन्होंने एक बिहार की एक तरह से बोली लगाई कि बिहार को हम 70,000 करोड़ दें, 80,000 करोड़ दें, 90,000 करोड़ दें, लो 1,25,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। क्या हुआ उस पैकेज का? आज की सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो इंजन, एक इंजन लगा हुआ है अपराध में और दूसरा इंजन लगा हुआ है भ्रष्टाचार में। और अपने मांग को लोग भूल गए, बिहार को स्पेशल राज्य का जो स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा देने की बात थी वो कहीं ना कहीं से खोक दिया गया है। तो इस लड़ाई को भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे और बिहार को जो अधिकार बनता है, जो हक है, उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ओके, मूविंग ऑन, कुछ ऑडियंस में से हमारी कुछ मैनेजमेंट की लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद है और उनसे भी एक सवाल लेते हैं तेजस्वी जी, क्योंकि हजारों हजार क्वेश्चन आए हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन सुने लिए हैं। वॉलंटियर्स आपसे रिक्वेस्ट है, माइक लेकर जाए। एंड एक सवाल जो आपको बताए कि ये हैशटैग तेजस्वी की चौपाल से, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, इसमें हमने कुछ रैंडम क्वेश्चंस यहाँ पर सिलेक्ट किया है जो आज तेजस्वी की चौपाल में ये सवाल है। और ये सवाल आप रेगुलर भी पूछ सकते हैं, इसे आप लेकर आ सकते हैं देश विदेश में, जितने भी देखने वाले जो सब लाइव देख रहे हैं ट्विटर पर, आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। सो एनीवन ओवर देयर, if anyone wants to ask, ek sawal jo tha aap se puchna chahte the. Hello sir, sawal hai tejas ke, jaise abhi aapne bahut sari samasyaon ki baat ki, train dead, aur jaise yuva move kar jate hain bade shaharon ki taraf chhod ke, to iske liye aap kya plan kar rahe hain? Kyunki abhi tak hum sab discuss karte aaye ki ye samasya hai, lekin
हम उनको दूर कैसे करेंगे, उनको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो हम नॉर्थ की बात करें या ईस्ट की बात करें, बिहार की बात करें, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं आती। जो भी इंडस्ट्रीज आती है वो कंपनीज आती है वो सारी साउथ की तरफ अट्रैक्ट होती है। बिहार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। अगर हम एक मधेपुरा प्रोजेक्ट छोड़ दें तो फिर दूसरा कुछ नहीं है हमारे पास काम करने के लिए। तो कैसे आप रोजगार दे पाएंगे उन यूथ को जो अभी एजुकेट हो रहे हैं या ग्रेजुएट होने वाले हैं, जो बैठे हुए हैं? अगर एम्प्लॉयमेंट में हम देखें तो बैंक की वैकेंसीज जैसे आती है या फिर SSC वगैरह की वैकेंसीज आती है तो उसमें सीट बहुत कम होते हैं और जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो लाखों में होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या अभी स्थिति है। तो इसको इससे आप कैसे निपटेंगे अगर आप अगले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में पार्टी जीतती है, अच्छे बहुमत से सत्ता में आती है, तो आपका क्या प्लान है? मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। और मेरे ख्याल से ये जो सवाल है ये सिर्फ आपने अपने तरफ से नहीं बल्कि पूरे बिहार के नौजवानों की तरफ से पूछने का काम किया, इसलिए आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। पहली बात, इंडस्ट्री जो है आए, ये सब लोगों का प्रयास है। और इंडस्ट्री लाने में देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जो भी पहले भी पास्ट में रही है, ऐसा नहीं है कि किसी ने प्रयास ना किया हो। बिहार जो है लैंड लॉक्ड स्टेट है, उसकी अपनी एक समस्या है। बिहार जो है एक तरफ बाढ़ से डूबा रहता है, एक तरफ जो है सुखाड़ से डूबा रहता है। और जो यहाँ जो ज़मीन है, मान लीजिए ज़मीन अक्वायर करना है, तो यहाँ जो ओनरशिप है जिन लोगों के पास, वो काफ़ी छोटे छोटे आप कह सकते हैं संख्या में है। लेकिन इंडस्ट्री लाने के लिए आपको लोग कहा करते हैं कि भाई इतना क्राइम है यहाँ पर कि इंडस्ट्री नहीं आ पाती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस या गवर्नमेंट जो है, आपने हमने इसका पहले भी जवाब दिया कि इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर जो लगाने की जो बात थी, तो हम लोगों ने एक पॉलिसी लगाने का काम किया था, सिंगल विंडो, जहाँ की जो अलग अलग मिनिस्ट्री से अलग अलग जगह से लोगों को परेशानी होती थी परमिशन लेने में, उसमें काफ़ी टाइम लगता था। कुछ ऐसी पॉलिसीज जो बने हुए थे जो कि उस वजह से भी काफ़ी दिक्कत हुआ करता था, तो उस पर वर्कआउट किया गया है। खास तौर पे आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आप मजबूती के साथ जो है उसको सुधारने का काम कीजिए। और आपको कहीं ना कहीं से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपके लिए हम लोग जो हैं पूरा मदद करने का काम करेंगे, और आप जो हैं बिहार में यहाँ ला करके लगाने का काम कीजिए, ताकि हम सब जो हैं यहाँ आप लोगों का एक माहौल बनाएं ताकि इंडस्ट्री आए। इंडस्ट्री आती है, कारखाने खोले गए हैं, जैसे आपने माधेपुरा की बात करने का काम किया, आपने छपड़ा में भी देखेगा व्हील फैक्ट्री है, वो रेलवेज का, वो लालू जी ने देने का काम किया। लेकिन बिहार में इतना टैलेंट है, बिहार के लोग दूसरे जगहों पर रहते हैं, अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, तो एक इसका हब बनाया जाए ताकि यहाँ लोग आए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया फूड प्रोसेसिंग का, बिहार में आप हाजीपुर चले जाइए तो कितना केले का है, वहाँ चिप्स केले से जो है बनाना से चिप्स के भी चीज़ें हो सकती हैं, बनाना शेक भी बनाया जा सकता है। आप चले जाइए मखाना, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर वहाँ अगर इस तरह की चीज़ें अगर खुलने शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी जो है बिहार में इस तरह का चीज़ जो है दिखने को मिलेगा। और बाकी सारे काम जो उससे रिलेटेड हैं, सिक्योरिटी से, पॉलिसीज से, इस पर हम लोग काफ़ी जो है हद तक सूटेबल पॉलिसीज जो है, और भी स्टेट्स जैसे बड़े स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, उनकी क्या पॉलिसी रही है, इस पर भी हम लोग जो है स्टडी करने का काम करेंगे। और जो बिहार को लैंडलॉक स्टेट को देखते हुए जो सूटेबल हो सकता है, जो प्रयास हो सकता है, वो हम लोग करने का काम करेंगे। बिहार में कई आप देखिएगा कि एजुकेशन को भी लेकर के कोई ऐसा यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं है, एजुकेशन का पैसा इतना बिहार में जाता है, आखिर यहाँ क्यों नहीं बनाया जाए? तो जो प्रॉपर जो काम करने का जो तरीका होना चाहिए, जो विल पावर होना चाहिए, कहीं ना कहीं से उसमें कमी है, उसको हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। ओके, वन क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर संध्या आहूजा। आई रिकॉल यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ कमिंग टू पावर। इफ यू कम टू पावर, हाउ विल यू एम्पावर वुमेन ऑफ बिहार एंड व्हाट मेजर विल यू टेक टू इंश्योर देयर सेफ्टी? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक बात है,
मेरा अभी भी मानना है कि जितने भी FIR होते हैं पूरी तरीके से जितना क्राइम उन पे हुआ है शायद महिलाएं कहीं ना कहीं से सहमी रहती हैं, झिझकती हैं, या समाज का डर है, या एक वातावरण ऐसा नहीं है कि उनकी सारे कंप्लेन, कहीं उनके साथ दुष्कर्म होता है तो वो खुल करके जा करके थाने में कंप्लेन करा पाए। कहीं ना कहीं से ऐसा दबाव उन पर रहता है कि वो कंप्लेन भी हद तक नहीं कर पाती हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन उनके सामने काफ़ी प्रेशर रहता है। तो सबसे पहला कि हम लोग जो हैं कैंप चलाएंगे ताकि महिलाएं जो हैं कहीं भी अगर कुछ उनके साथ होता है तो कम से कम वो जा करके सरकार के ध्यान में वो बात लाने का काम करें। अभी भी जितने केसेस होते हैं तो हो सकता है कि समाज का बनावट ऐसा है कि उस दबाव में जा करके महिलाएं जो हैं खुल करके कंप्लेन नहीं कर पाती हैं। तो एक तो उस कैंपेन को हम लोग चलाएं और साथ ही साथ 24/7 हेल्पलाइन नंबर जो है हम लोग उपलब्ध कराने का काम करें। स्पेशली बिहार इतना बड़ा राज्य है, महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है यहाँ पर, उनके लिए भी एक अलग से पुलिस स्टेशन जो है महिलाओं का वो हम लोग उपलब्ध कराएं। हो सकता अगर कहीं हो लेकिन उसकी जो है संख्या जो है वो बढ़ाने का काम करें। आप देखिएगा हमको तो कभी कभी ट्रैफिक पुलिस में भी आजकल महिलाएं जो हैं देखते होंगे रेड लाइट्स वगैरह पे ट्रैफिक पुलिस महिलाएं खड़ी रहती हैं, लेकिन उनके लिए सुविधा क्या है? अगर उनको टॉयलेट अगर यूज़ करना है तो वो कहाँ जाएंगी? वो भी व्यवस्था यहाँ नहीं है, उनको कितने कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इस पर हम लोग ध्यान देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो महिलाओं पे जो क्राइम होगा उसके लिए हम लोग जो है स्पीडी ट्रायल कराने का काम करेंगे, और कोई भी कल्प्रिट वगैरह अगर कोई प्रोटेक्शन देने का काम करेगा तो उसको हम लोग पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। सो एक और क्वेश्चन है, बहुत ही गिरीश कुमार ने लिखा है, गिरिजेश ने, ये भैया कि बिहार और देश के युवाओं को आपकी स्वच्छ राजनीति पर पूर्णतः भरोसा है, इन्होंने लिखा है, और आप युवाओं के आइडियल भी हैं, इज योर मोस्ट यूथ पर्सनैलिटी, दैट्स व्हाई। पर दुख की बात है कि आपके साथ जीतने वाले कई युवा जुड़े हैं, आपने उन्हें कभी पॉलिटिक्स का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया? देखिए धन्यवाद देते हैं सवाल के लिए, लेकिन हम तो खुद ही अभी सीख रहे हैं और सब लोगों को सीखना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं, जहाँ भी हमें यूथ को लेकर के मौका मिलता है कि उनके बारे में कहें, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जितने भी यूथ हैं दे शुड बी पॉलिटिकली एंड सोशली अवेयर। आजकल के नौजवान जो हैं इतने पॉलिटिकली और इतने सोशली अवेयर नहीं हैं। सबसे पहले तो यूथ को पॉलिटिकली और सोशली अवेयर होना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से यूथ को सबसे पहले जहाँ तक ध्यान अगर आगे बढ़ाने की हो तो यूथ ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग और डिसीज़न मेकिंग में किस प्रकार से आए, ये हमारी कोशिश रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। और कोई ट्रेनिंग नहीं, अगर ये अलग से अगर कभी मुलाकात करेंगे तो हम लोग जो है इस पर डिस्कस कर सकते हैं, हम ट्रेन क्या कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर के आई कैन डिस्कस विथ हिम। और आप देखिएगा लास्ट जो इलेक्शन जो हम लोगों का विधानसभा का हुआ था, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल जो है 101 सीटों पे लड़ी थी, 101 सीटों में से लगभग 45 जो सीट्स थे जिनका एज 25 साल से 45 साल के अंदर था, उसको हम लोगों ने टिकट देने का काम किया। तो और मुझे खुशी है कि जितने भी युवाओं को हमने टिकट देने का काम किया वो सब की सब चुनाव जीत करके आने का काम किया, तो ये काफ़ी अच्छा है। और बिहार हमारा देश जो है सबसे युवा देश है, और बिहार जो है इस देश का सबसे युवा प्रदेश है, तो युवाओं को तो बढ़ चढ़ कर के राजनीति में सामाजिक रूप से इनको अवेयर होना पड़ेगा और पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आज जो स्थिति जो युवाओं की है कहीं ना कहीं से ठगा हुआ महसूस करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी उम्मीद जगाने का काम किया था कि हर एक साल जो है 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे, बोला था, लोग जो हैं उस उम्मीद में मोदी जी को वोट देने का काम किए, उनको सत्ता में लाने का काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं से जो गुस्सा आज नौजवानों में जो है वो गुस्सा सिर्फ और सिर्फ सीमित दायरे में ही है, वो बोल करके छोड़ देते हैं। अगर अपना अधिकार और हक के लिए लड़ाई लड़नी है तो आपको सड़क पर आना पड़ेगा
और आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। आप घर बैठे छोड़ दीजिए कि कोई आएगा आपके लिए कुछ करेगा, ये ऐसे काम नहीं चलने वाला। आपको अपने अधिकार के लिए, हक के लिए आगे बढ़ करके सड़क पर आकर के आंदोलन करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ठीक है फिल्म देखते हैं लोग, स्पोर्ट्स में मैचेस वगैरह देखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल्स वगैरह भी देखना चाहिए। लेकिन न्यूज़ चैनल्स भी देखें तो संभल करके देखें, थोड़ा उसको रिफाइन कर ले कि क्या सच्चाई है या क्या नहीं है, क्योंकि आजकल तो फेक न्यूज़ का भी ज़माना है। तो इसलिए युवाओं को जो है एक चीज़ समझना चाहिए कि जो चीज़ें स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं वो बात सच नहीं होती। उसके लिए वो खुद अपना बुद्धि से सारी चीज़ों को समझने का काम करें। और जब तक आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे किसी चीज़ के लिए, किसी इशू के लिए, तब तक जो है आपकी विजिबिलिटी नहीं रहेगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज हमारे सामने अगर कई ऐसे नौजवान जो हैं सामने आ रहे हैं जो कि विजिबल हैं, और विजिबल इसलिए हैं क्योंकि वो जो हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। नाम काफ़ी सारे हैं हम जो कि अभी बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसे नौजवान हैं जो राजनीति में आ रहे हैं और जो है अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ओके फ्रॉम ऑडियंस साइड या प्लीज वॉलंटियर एक, क्योंकि तीन नंबर वाला क्वेश्चन छूटा हुआ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं हैशटैग तेजस्वी की चौपाल और पूछ के सब लोग से जो पूछना चाहे। अपने नाम के साथ में प्लीज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, जलालुद्दीन खान मेरा नाम हूँ, हम सीतामढ़ी से आ रहे हैं जी। हम माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी से प्रश्न करना चाहेंगे कि बिहार देश में पांचवें स्थान पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या योजना इनके पास। दूसरा, हम लोगों का क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित रहता है सीतामढ़ी एरिया, तो बिहार सरकार की ये कोशिश रहती है कि बाढ़ आवे और हम उस बदले में वहाँ पर कुछ चंदा उंदा दे दें, पैसा उसे खर्च कर दें, लेकिन बाढ़ के लिए समुचित व्यवस्था नहीं करते कि बाढ़ ना आवे, इसके लिए इनकी क्या योजना। तो जैसा कि आपने बताया था कि सूखा और बाढ़ से प्रभावित रहता है, इसके लिए आपकी क्या योजनाएं होंगी। देखिए, दो सवाल है, एक तो फ्लड को लेकर के है, एक जो नक्सलिज्म को लेकर के है। नक्सलिज्म क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ये शुरू हुआ, क्या कारण था इसका। मेरे ख्याल से एक हद तक जो है बिहार में जो है नक्सलिज्म जो पहले जिस मात्रा में थी वो कम हुआ है, और इसमें आप देखिएगा जो भी इश्यूज वगैरह हैं लगातार आप देखिएगा कि लोगों को, गरीब जो प्रताड़ित शोषित समाज जो रहा है, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी रहा है, उस पर काफ़ी जो है जुल्म हो रखा था, इसको लेकर के नक्सलिज्म जो है वो आगे बढ़ा है। लेकिन इस चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हिंसक हम लोगों को नहीं होना है, हिंसा से हम लोगों को जो है वो दूर रहने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार को इस चीज़ पर गौर देना होगा कि आप जब तक पॉवर्टी, जब तक गरीबी नहीं मिटाओगे, और अगर उस पर गरीब पे अत्याचार बढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं से समाज में ऐसी सोच रखने वाले भी लोग हैं जो हिंसक होते हैं। लेकिन हम हिंसक के एकदम अगेंस्ट हैं, हम लोगों को जो है नॉन वायलेंस में हम लोगों को, सब लोगों को विश्वास रखना चाहिए। और जो गरीबी है, मूल रूप से गरीबी कैसे दूर हो, हमारी पार्टी सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग है जो है आर्थिक न्याय की भी बात करने वाले लोग हैं। तो अगर आप आर्थिक स्थिति को अगर आप सुधारिएगा, जॉब क्रिएशन दीजिएगा, अच्छा एजुकेशन दीजिएगा, तो मेरे ख्याल से ये हद तक जो है ये चीज़ें जो हैं कम होंगी। जहाँ तक फ्लड की जहाँ तक बात है कि नेपाल की वजह से ये एक इंटरनेशनल इश्यूज़ है, आप समझिए कि फ्लड जो है नेपाल से भी काफ़ी मात्रा में जो है पानी छोड़ दी जाती है, इसके वजह से भी, और जो नदी का जो कोर्स होता है वो हर साल जो है बदलता रहता है, कब किधर से आ जाए, उसका रूट क्या होगा, वो काफ़ी बदलता रहता है। तो इस पर इंटरनेशनल इश्यूज़ है, तो इस पर हम लोगों को ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी इतनी मदद चाहिए ताकि इस इशू को हम लोग जो है सुधारने का काम करें।
तो इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में फ्लड से जो है नुकसान होता है, लेकिन फ्लड रोकना पे तो नेपाल गवर्नमेंट से हर एक लोगों से बात करनी पड़ेगी, लेकिन फ्लड जब आता है तो उसके लिए हम तैयारी क्या करें, हाउ वी शुड प्रिपेयर आवर सेल्फ टू बी रेडी व्हेन फ्लड कम्स। आप गवर्नमेंट जो है वो क्या तैयारी कर रही है, फ्लड आती है तो क्या करती है, कैंप लगाती है, लोगों को जागरूक करती है कि आप जो है इस जगह को छोड़ दीजिए, जो बोट्स की व्यवस्था है NDRF वगैरह की सहयोग लेते हैं, पशुओं के लिए अलग से व्यवस्था करवानी पड़ती है, अनाज का, खाने का, रहने का, इलाज का, ये सारी जो चीज़ें हैं जिन्होंने अपने घर बार का नुकसान किया, फ्लड की वजह से घर दह जाता है, पशु दह जाते हैं, तो बीमारी काफ़ी फैलती है, तो गवर्नमेंट को इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अपने लोगों को फ्लड आता है तो सुरक्षित कैसे करें, और लगातार जो है मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अलर्ट लोगों को रहना चाहिए, इंजीनियर्स वगैरह जो भी हैं उनको काफ़ी डे टू डे अलर्ट होना चाहिए कि क्या स्थिति है फ्लड की, उससे हम लोग जो है चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर गौतम ने सवाल पूछा है एट गौतम वन बाली, और उनका सवाल बाली टाइप का ही है, बिल्कुल ताकतवर है। इन्होंने पूछा है कि तेजस्वी जी, मोदी गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड उनकी घोषणाओं के बारे में, वादों को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मोदी जी जो वादा करते हैं, झूठा वादा जो करते हैं, झूठ ऐसे बोलते हैं उतने अच्छे से हम लोग सच भी नहीं बोल सकते उतने कॉन्फिडेंस से, जितना वो झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। दूसरी बात, वो झूठ बोलने की फैक्ट्री भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तीसरी बात हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी एक झूठ के साथ 10 झूठ मुफ्त में दे देते हैं, कहते हैं ना बाय वन एंड गेट 10 फ्री, तो मोदी जी का वो हाल है। हम तो चाहते हैं कि एक वादा, एक भी अगर वादा अगर उन्होंने पूरा किया जिस के नाम पे वोट मिला उनको, आज तक उस पे ध्यान नहीं जाता, उस पे चर्चा नहीं करते, उस पे बहस नहीं करते। और हम तो चाहते हैं कि हर साल जो है नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिले, लेकिन जब रोजगार का बात किया जाता है प्रधानमंत्री जी से तो वो कहते हैं कि पकौड़ा बेचिए। अब बताइए, बोलते हैं कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, हाँ ठीक है रोजगार है पकौड़ा बेचना, भूजा बेचना भी रोजगार है, सब्जी बेचना भी रोजगार है, ट्रेन में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले जो लोग हैं वो भी रोजगार हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, इसमें गवर्नमेंट का क्या योगदान है? और हम तो सब लोगों का सम्मान करते हैं, जो गुमटी चलाते हैं, जो भूजा बेचते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो फल बेचते हैं, हम तो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा तो एक ही मांग है मोदी जी से कि 15-15 लाख का जो वादा उन्होंने किया था, कम से कम नौजवान पकौड़ा का दुकान लगाने के लिए भी तैयार है। अगर घर में अगर आर्थिक स्थिति अगर खराब है, लोगों को सुधारना चाहिए, तो पकौड़ा बेच करके हम अपने रोजी रोटी को चलाने का काम करेंगे। लेकिन जो 15 लाख का वादा किया था उसमें कम से कम बोनी तो करा दे 1-2 लाख रुपए का, ताकि वो पकौड़ा का दुकान खोल लें। लेकिन आप सोचिए, बोनी भी नहीं करा रहे, अरे पकौड़ा का ठेला लगाने के लिए आपको पैसा चाहिए, सामग्री खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए जहाँ वो ठेला लगा सके, उसका भी तो पैसा चाहिए, तो बोनी करा दें प्रधानमंत्री जी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा, हर साल जब 2 करोड़ लोग जब पकौड़ा बेचने का काम करेंगे तो पकौड़ा कौन खाएगा? सोचिए कि एक साल में 2 करोड़ लोग, यानी हर घर में यानी 5 साल में 10 करोड़ लोग जो हैं वो पकौड़ा ही बेचेंगे, यानी हर कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहां पकौड़ा बेचने वाले लोग ना हो। घर में ही जब पकौड़ा मिल रहा है तो बाहर कौन खाएगा? तो ये कहीं ना कहीं से लोगों को उल्लू बनाना, ठगना, झूठ बोलना, ये उनका काम रहा। ओके, शांतनु कश्यप, इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि सर एक ही सवाल है कि आप पलायन जैसे मुद्दों को कैसे निपटेंगे? इसका जवाब तो आपने दिया है, वैसे एक बार और ये जानना चाहेंगे कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था, जो वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे पटरी पर लाएंगे, और कैसे बिहार का खोया हुआ जो आत्मसम्मान है वो कैसे वापस आप दिलवाएंगे? देखिए, पलायन के इशू में हमने पहले भी कहा, लेकिन एक बात देखिए, पलायन क्यों होता है?
आप घर से बाहर तभी जाते हो जो चीज़ आपको घर में नहीं मिलता, पहली बात। जब घर में सारी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें मिलने लग जाएं, तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। बिहार में दो कारण हैं जिसके वजह से, तीन कारण मैं कहता हूँ, तीन कारण हैं जिसके वजह से बिहार के लोग जो हैं ज़्यादातर बाहर जाते हैं। पहला जो है वो रोज़गार की समस्या। हमारे यहाँ इतना रोज़गार नहीं है, उसलिए जो है लोग पलायन करते हैं ताकि वहाँ काम मिल जाए, मजदूरी करके जो अपने घर का पेट पालने का काम करें। दूसरा बहुत बड़ा जो वजह है, आप देखिएगा एजुकेशन को लेकर के लोग जो हैं काफ़ी हद तक जो है वो बाहर जाते हैं। तीसरा जो है हेल्थ को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के लोग जो है इलाज कराने काफ़ी मात्रा में बाहर जाते हैं। अगर यही जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, यही अच्छा अस्पताल मिले, यही अच्छी एजुकेशन मिले, तो मेरे ख्याल से लोग जो हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। और जिस पे कि ये प्रायोरिटी है, ये बेसिक नीड है लोगों की, ये बेसिक नीड है, इस पे सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। जो हम, अगर हमारी सरकार आती है तो इस पे विशेष तौर पे हम लोग जो हैं ध्यान देने का काम करेंगे। दूसरा, जहाँ इन्होंने पूछा है कि बिहारी लोगों का सम्मान जो है, प्रतिष्ठा जो है, वो कैसे वापस लाने का काम करेंगे। देखिए बिहारियों का हर जगह सम्मान है, हर जगह लोग सम्मान करते हैं। बिहार से जितने IAS IPS जाते हैं, शायद ही और किसी राज्य से IAS IPS हुआ करते होंगे या होते होंगे। एक कुछ हमारे देश के सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो जहर फैलाने का काम करते हैं और बदनाम करने का काम करते हैं। इन सब लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के बाहर जाइएगा तो कई लोग जो हैं कहते हैं कि बिहारी कर करके बुलाना एक अपमानजनक, लोग जो हैं मानते हैं, गाली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे सोच रखने वाले लोगों को हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए। बिहार का जो इतिहास रहा, बिहार देश ने, लोग कहते हैं कि 0 नंबर जो है देश ने देने का काम किया, लेकिन जो 0 नंबर जो देने वाले हैं वो कहाँ के हैं? वो हमारे बिहार के हैं। तो बिहार ने तो 0 नंबर जो है पूरे दुनिया को देने का काम किया। तो ये जो गौरव, जो इतिहास रहा है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जहाँ IAS IPS इतने बड़े संख्या में हो, जिन्होंने देश को तरक्की के लिए, निर्माण के लिए योगदान अपना दिया हो, तो कहीं ना कहीं से बिहार की तो बहुत ही भूमिका रही है। बुद्ध को ज्ञान यहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप समझ जाइए, और उन्होंने विश्व को हर जगह ज्ञान बांटने का काम किया, तो कितना महान धरती है ये। तो क्या क्या यहाँ नहीं है, और लोगों का सम्मान बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं से बीच में अगर आप देखिएगा कि जो एरा कुछ पॉलिटिकली अपने बेनिफिट के लिए कई लोगों ने इसका इस्तेमाल करने का काम किया, इस वजह से बिहार में कुछ लोग हैं, अपने ही लोग हैं, जो बिहार को बाहर जा करके बदनाम करने का काम करते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों को अपने सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। बाकी पूरा सम्मान है, सम्मान होना चाहिए। हैशटैग तेजस्वी की चौपाल आप देख रहे हैं। और जी अगला सवाल बेरोजगारों की आवाज, हालांकि इन्होंने अपना ट्विटर पर नाम दिया है, ये है प्रमोद 373, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार जी, जिन्होंने जनादेश का, इन्होंने लिखा है कि गला घोट कर भाजपा की गोद में बैठ गए और मोदी जी का पैकेज आज तक नहीं आया, तो भाई आपसे सवाल है कि बिहार का हक अब आप कैसे दिलाएंगे? देखिए, जनादेश का अपमान इन्होंने किया। नीतीश जी ने एक आंदोलन शुरू की थी, जो कि हमारी ही सबसे पहले मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो अब तो हम तो चाचा से पूछना चाहेंगे कि बताइए मोदी जी ने क्या दिया बिहार को। अगर कुछ दिया हो तो हम भी मोदी जी को फ़ोन करके बधाई दे देंगे। और इस विषय में हमने पहले भी कहा, पैकेज का क्या हुआ? स्पेशल राज का दर्जा तो छोड़िए, स्पेशल पैकेज जो यहाँ आ करके बिहार की बोली लगाई, 70,000, 80,000, 90,000, आखिर क्या मिला? आपको अब एक बात और बता दें, प्रधानमंत्री जी मोतिहारी गए हुए थे चुनाव के समय, वहाँ शुगर मिल है एक, तो वहाँ उन्होंने भाषण दिया कि अगले बार अगर हम आएंगे जीत करके और बिहार आएँ
तो इसी मिल के चीनी का चाय हम पिएंगे। दोबारा आए वहाँ, मोतिहारी भी गए, लेकिन उस विषय पे एक बात भी उन्होंने नहीं बोला। अभी भी वो चीनी मिल ऐसे ही बंद पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा। तो बिहार को जो अधिकार मिलना चाहिए था, आप देखिएगा बिहार कोई भी अगर योजना आती है, सेंट्रली स्कीम होती है, तो बिहार गवर्नमेंट को पहले 15% शेयर लगता था, और जो यूनियन गवर्नमेंट जो है वहाँ लगभग जो है आपको 85%, किसी में 70%, और बिहार के 30% हुआ करता था। आज जो मोदी जी के आने के बाद 50-50 हो गया। तो बिहार जैसा पिछड़े राज्य में अगर 50% योगदान दे, या 50% केंद्र का हो, और वही जो पहले मिला करता था उसमें 15% सिर्फ देना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं से बिहार जैसे राज्यों पे काफ़ी भार आया है। तो ऐसे राज्य को तो सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट ना कर करके वो जो है और भार देने का काम करना है। तो इसका जवाब तो बेहतर मोदी जी से जाके पूछिए, और नीतीश जी से पूछने का काम कीजिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग जो हैं इस चीज़ के लिए हमने भी कहा है, और आप देखिएगा राष्ट्रीय जनता दल ने जितने भी कमिटमेंट किए हैं उसको हम लोगों ने बखूबी निभाया। हम लोगों ने जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने पहले ये नहीं बोला था कि हम आएंगे तो हम कारखाना देंगे, बिने बोले हुए उन्होंने कारखाना देने का काम किया बिहार को दे। तो आप देखिएगा कितना काम किया बिहार में। लगभग जितने विश्वविद्यालय हैं लालू जी और राबड़ी जी के समय में, 7-7 विश्वविद्यालय जो है हमारी सरकारों ने देने का काम किया। उसके बाद कितने विश्वविद्यालय बने आप लोग देख लीजिए, गिन लीजिए, आंकड़े बता देंगे। तो ऐसे वादों से नहीं चलता, काम करके दिखाना पड़ता है, और जो जितना जोर से बोले ज़रूरी नहीं है कि वो करके दिखाएगा। तो इसलिए लोग जो हैं सतर्क रहें, बिहार के लोग खासतौर पे सतर्क रहें। अभी चुनाव आने वाला है, फिर से बिहार की बोली लगाई जाएगी, फिर से आपके बीच लोग आएंगे, एक से एक ठग लोग आएंगे। इस बार जो फौज लिस्ट जो तैयार किया जा रहा है, एक से एक ठगों का फौज लिस्ट तैयार किया जा रहा है। पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करने का कोशिश किया जाएगा, धन में बल में एक चीज नहीं है। अब बताइए ना, पहले मेक इन इंडिया से न्यू इंडिया पे आना गया है। पहले मोदी जी बोलते थे मेक इन इंडिया करेंगे, अब मेक इन इंडिया का सवाल पूछे तो कौन है वो सवाल, और न्यू इंडिया की बात करते हैं। तो बिहार आएंगे तो समझ जाइए कि आप लोगों से फिर क्या क्या बोलेंगे। तो एकदम बिहार के लोग डट के रहना, खासतौर पर नौजवान, अपना रोजगार मांगना, अपना अधिकार मांगना। अब पूछना कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया। बिहार ने आपको 31 सांसद देने का काम किया, बिहार से कई केंद्र मंत्री हैं, राज्य में जनादेश का अपमान भी किया, चलो फिर भी चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आ गई। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, संतरी से लेकर मंत्री से लेकर के पूरा बीजेपी हाईजैक किया है। बिहार में जितने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, ज़्यादातर लूनी के लोग हैं हर एक लेवल में, लेकिन क्या काम हो रहा है। डेवलपमेंट पे आप पूछो ना, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कोई विकास की बात नहीं की जा रही। आज हम क्या सुन रहे हैं, बिहार ऐसे धरती में आज तक मॉब लिंचिंग नहीं हुआ करता था, बीजेपी के आते ही मॉब लिंचिंग शुरू हो गया। सीतामढ़ी में जो घटना हुई, एक बुजुर्ग को पीट पीट करके मार दिया गया और खुलेआम जला दिया गया पुलिस के रहते हुए में। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से बिहार जो है या देश में विकास के नाम पे ना चर्चा होकर के विनाश के नाम पे चर्चा हो रही है। Okay, अगला सवाल है, रोशन कुमार जी ने पूछा है, तेजस्वी जी अब तक मंडल कमीशन की 38 सिफारिशें जो है वो केवल उसमें से 2 सिफारिशें ही लागू हुई है, 38 में से, उसके भी पालन में बड़े पैमाने पर बेईमानी हो रही है, जिसके कारण मंडल के 25 साल बाद भी ओबीसी अंडर रिप्रेजेंटेड है। राजद की बाकी बची सिफारिशों को लागू करवाने के प्रति क्या राय है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, और हमें इसका खेद है कि 2 ही जो है उसमें पूरा किया गया है, बाकी 37 में से बाकी 35 जो हैं वो पूरा नहीं किया गया है, जो भी मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन था। मंडल कमीशन
को लागू कराने के लिए बाकी के भी चीज़ें जो हैं उसमें हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हम लोग इसकी लड़ाई को है जो लड़ने का काम करेंगे, और जब तक ये पूरा नहीं होता इसकी लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन आया है और ये शायद हैशटैग तेजस्वी की चौपाल में बहुत बहुत तेजी से इसे देखने वाले हैं, इस सवाल को सुनने वाले हैं, यहाँ पर मीडिया भी है वो भी शायद जानना चाहेंगे। ये है विमलेश त्रिपाठी जी और इनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि आप सवर्ण आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप सवर्णों से क्या वोट नहीं मांगेंगे? क्या आप सवर्णों को टिकट देंगे या नहीं देंगे? इन्होंने सवाल पूछा है, संविधान के अनुसार बिहार में सवर्णों का क्या हक है? सबसे पहले मैं मानता हूं कि गरीबी जो है वो हर एक कास्ट में है, हर एक रिलीजन में है। अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो बिल आया है, ये मेरा पूर्ण रूप से मानना है कि ये जो बिल स्वर्ण गरीबों के लिए नहीं बल्कि स्वर्ण अमीरों के लिए है। इसका हम उदाहरण देना चाहेंगे। इस बिल में क्या है, 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोग को भी आरक्षण मिलेगा। 8 लाख सालाना यानी महीना में आप समझिए कि 60 से 65 हज़ार रुपये जो कमाता है उसको भी आरक्षण मिलेगा। जो इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, 5 लाख भी कमाने वाले को 20% इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो जो 65 हज़ार महीना कमाता है वो गरीब है, या जो महीने में 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 कमाता है वो गरीब है? मेरा ये सवाल। इस दायरे को मेरे ख्याल से अगर 20 से 25 हज़ार तक का महीना अगर किया गया होता तो मेरे ख्याल से ये उचित होता। और जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है उसको भी आरक्षण मिलेगा। बताइए 5 एकड़ वाला लोग गरीब है क्या? मेरा ये सवाल है। आप देखिए ख़ास तौर पे, और बेस क्या है इसका, जो इसका बेस होना चाहिए ना, जैसे मंडल कमीशन की आपने बात की, पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा इसके लिए कमीशन बैठा, मंडल कमीशन बैठा, सर्वेज हुए, सर्वेज होके उस हर जाति का आंकड़ा आया। लेकिन ये जो 10% दिया गया है ये कौन से बेस पे दिया गया? क्या इसके सर्वेज हुए हैं? क्या इसका कोई आयोग बना है? कोई आयोग का रिपोर्ट है? कोई डॉक्यूमेंटेशन है? नहीं है। मान लीजिए आपको, अगर आप क्लेम करो स्वर्ण गरीब के आरक्षण को लेकर के, तो सरकार फिर से जांच करेगी क्या? आपकी सर्वे करेगी कि आप गरीब हो कि नहीं हो? जो ऑलरेडी कास्ट सेंसस हो रखा है शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, आप उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाने का काम करते हो? जो ऑलरेडी सर्वे हो चुका है, जो कि विश्व का सबसे महंगा सर्वे है, तो आप वो लाइए। तो हम लोग देखिए, आरक्षण संविधान के साथ ये कहीं ना कहीं से छेड़छाड़ किया गया है। ये जो आर्थिक तौर पर जो दिया गया है आरक्षण, क्यों दिया गया ये पहले हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। आरक्षण का मेन पर्पस जो है, जो वर्ण व्यवस्था जो सदियों सदियों से कायम रही, जो छुआछूत भेदभाव ये जो प्रथा जो चलती रही है वर्ण व्यवस्था, जो रिप्रेजेंटेशन को लेकर के था, इसलिए आरक्षण दिया गया। अब ये बताइए, ये आरक्षण देने से कोई गरीब जो घोड़ी पे चढ़ेगा, दलित, वो तो अभी भी चलता है कि नहीं चलता है? लोग, आप लोग खबरों में देखते होंगे कि गरीब जो है घोड़ी पे नहीं चढ़ के अपना बारात ले जा सकता, कुआं से पानी नहीं निकाल सकता, मंदिर में नहीं जा सकता, ये अभी भी देखने को मिलता है। तो ये बात हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये झुनझुना थमाने का काम कर रहे हैं। जब जॉब है नहीं आपके पास, जब जॉब नहीं है तो उस आर्थिक तौर पर आरक्षण देने का क्या मतलब रहेगा? आपके पास जॉब रहेगा तभी तो, जॉब है नहीं यार आप आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से स्वर्ण लोग जो नाराज थे इस गवर्नमेंट से, खासतौर पे स्वर्ण युवा, उसको कहीं ना कहीं से खुश करने के लिए ये जो है लिपापोती और झुनझुना और नया जुमला इन लोगों ने करने का काम किया है। हम आज भी कह रहे हैं कि स्वर्ण गरीबों के साथ हम लोग हैं, लेकिन आप उसका कोई तो तरीका होगा ना जिससे आप बताओगे। हम तो ये नहीं मानेंगे कि जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है वो गरीब है, जो 65,000 रुपया महीना कमाता है वो गरीब है। तो आप देखिए ना, तो इनकम टैक्स रिटर्न क्यों लेते हो? या तो इनकम टैक्स रिटर्न ही मत लो उनसे पहले, यानी इनकम टैक्स रिटर्न भी लेंगे और उनको आरक्षण भी देने का काम करेंगे, ये कैसे चल सकता है? तो ये बात जो है समझने की ज़रूरत है।
और हमारे पास जो नेताओं की जो बात की गई, हमारे पास तो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। स्वर्ण का जगदानंद सिंह जी हैं, रघुवंश बाबू जी हैं, शिवानंद तिवारी जी हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे पार्टी में हैं ऐसे नेता। तो ये कहीं ना कहीं से एक बीजेपी का एक प्रोपोगेंडा, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक दुष्प्रचार भी मेरा फोटोशॉप करके के चलाया गया। तो इस पर हम जाना नहीं चाहेंगे, जो लोग कहें कहें, लेकिन हमारी पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है। चाहे गरीब स्वर्ण में गरीब हो या दलित या अलग कास्ट में गरीब हो, पिछड़ों में गरीब हो, हम लोग उनकी लड़ाई लड़ते थे, लड़ते रहेंगे। लेकिन दिस वॉज दी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस वॉज दी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक स्वर्ण मौका था मोदी जी के पास, जो आरक्षण के नाम पे पूरे देश में जो महाभारत जो चल रहा है उसको समाप्त करने का। वो कैसे, आप देखिएगा, मराठी लोग अपने आरक्षण की बात कर रहे हैं, पटेल अपनी आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाट गुजर अपनी आरक्षण की बात कर रहे हैं, मीना अपनी आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो जब बैरियर 50% का जब टूट गया, 60% हो गया, अब तो 100% तक चला जाता है, तो सबको आरक्षण दे करके आप संतुष्ट कर देते, 100% कर देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हमारी तो पहले से भी मांग है कि जिसकी जितनी आबादी होगी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतने हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और कास्ट सेंसस हो तो सिर्फ दलित और पिछड़ों की कास्ट सेंसस क्यों हो, उसमें अपर कास्ट का भी जाति वाइज कास्ट संख्या जो है वो गिनना चाहिए, पता तो चले कितने लोग हैं। उसी हिसाब से आप नया बजट बनाओगे तो उन लोगों के लिए जो वीक हैं, पुअर हैं, उनके लिए आप प्रोविजन करोगे बजट में। तो इसको देखिए गलत तरीके से पेश किया गया कि विरोध है। तो आप शायद यहाँ बैठा हुआ कोई नहीं मानेगा कि 65,000 कमाने वाला महीना में वो गरीब है, या जिसके पास 5 एकड़ जमीन है वो गरीब है। यहाँ पर फौद अहमद ने भेजा है अपना क्वेश्चन कि डियर तेजस्वी जी, डोंट यू थिंक दैट इट्स अ हाई टाइम फॉर यू टू किक ऑफ योर पर्सनल पैन बिहार आउटरीच प्रोग्राम लाइक पद यात्रा एटसेट्रा टू एनहांस लोकसभा परफॉर्मेंस एंड 40 योर सीएम कैंडिडेट फ्री एडवाइस, डोंट ट्रस्ट ओल्ड गार्ड और योर पार्टी टू मच। इन्होंने सजेशन भी भेज दिया है। नहीं नहीं, इनके सुझाव के लिए धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक इन्होंने बिहार में घूमने की बात की, तो इनको हम जानकारी दे दें कि सबसे ज़्यादा अगर बिहार में रोड से बाय रोड अगर किसी ने घूमने का काम किया है, कई कई हज़ारों किलोमीटर हमने जो है बिहार में घूमने का काम किया है, चाहे वो संविधान बचाओ न्याय यात्रा के तहत हो, जनादेश अपमान यात्रा के तहत हो, या जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस था उसको लेकर के हम लोगों ने जो साइकिल भी जो मार्च करने का काम किया, वो सब लोगों के सामने है। और SC ST एक्ट हो, उसमें भी हम लोग जो है सड़क पर उतरने का काम किए थे उसको बचाने के लिए। तो आप देखिएगा कि अच्छा सलाह है, और सब नेताओं को, बल्कि हम ही को नहीं, सब लोगों को रोड पे रहना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, लोगों के बीच रहना चाहिए, उनकी समस्या सुननी चाहिए, उनके लिए हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये जो है हम लोग करने का काम करेंगे, और बाकी चीज़ है और सजेशन पे हम लोग हैं ध्यान देंगे। मुझे लग रहा है कि एक सवाल में आप भी यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अश्विन चौहान ने लिखा है कि मुझे भी अमित शाह के बेटे जैसा बिजनेस करना है, कौन सा करूँ। हम इनको यही कह सकते हैं कि अमित शाह जी से और CBI के लोगों से संपर्क कर लें। ओके, मुझे लगता है कि इसका हिंदी में जवाब मिल चुका था, लेकिन दशरथ राही ने एक बार फिर से पूछा है कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द यूथ ऑफ बिहार। अगर मुझे इंटरनेशनली देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि छोटा सा जवाब अगर इन्हें मिल जाए। नहीं नहीं, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द क्रिएशन ऑफ जॉब्स, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द स्पोर्ट्स, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द इंडस्ट्री, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑल अराउंड, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू फोकस ऑन दिस। If you will not focus on the basic needs of the people, especially youth, if you're gonna ignore it, then you cannot say that development is happening in our state. And every leader should concentrate on it. And obviously, but for that, especially youth have to take interest. They have to be socially and politically aware. But we hardly see any youth involvement, hardly. But they have to participate. They should know
what's going on in parliament. They should know what's going on in Vidhan Sabha. Which policies we are talking about. कौन से नए amendments आ रहे हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. और I really want all the youths to participate in politics. And I accept that youth has to be in policy making and in decision making. So I guess I have already answered and this was it. Next question is from Insel Weird. और थोड़ा सा ये आपके बारे में जानना चाहते हैं कि इतनी कम उम्र में CBI, ED, IT इन सब का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा क्या कारण है और ये सब आपके पीछे क्यों पड़े हैं, इनका पूछना है. अब देखिए, सब पीछे पड़े हैं और इतने कम उम्र में. अच्छा है ना कि अभी से सब कुछ सीख लिए. ED, CBI सब लोगों को हम लोगों ने सीखने का काम किया. कैसे क्या उन लोगों का वर्किंग स्टाइल है. पीछे क्यों पड़े हैं, वो तो चाचा जी की कृपा थी. और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसलिए बने क्योंकि चाचा जी की कृपा थी. अब चाचा जी की वजह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बन गए. इसलिए CBI ED पीछा पड़ी क्योंकि हमारे नीतीश चाचा जी को फिर से हम लोगों को ठग करके BJP के साथ हाथ मिलाना था. दिस वॉज एन एक्सक्यूज. अगर मेरे ऊपर केस नहीं होता तो उनके पास कोई ग्राउंड नहीं होता. और जनता के बीच जाने के लिए उनको एक्सक्यूज चाहिए था कि देखो ये करप्शन कर रहा है, इसलिए जो है हम लोग जो है त्याग कर रहे हैं. हम करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. आप बताइए, 18 महीने हम डिप्टी CM रहे, 3-3 डिपार्टमेंट था. कौन सा करप्शन किया. लेकिन जो मलाई वाली जो फाइलें आती हैं उसको हमने ज़रूर बंद करा दिया था. आप समझिए, मलाई वाली फाइलें क्या होती थी. इसका विरोध भी काफ़ी लोगों ने किया था कैबिनेट मीटिंग में. EOT की जो फाइल आती है, वेरिएशंस का जो फाइल आता है, एस्टिमेट का जो फाइल आता है. मेरा डिपार्टमेंट रोड कंस्ट्रक्शन था. रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द वर्किंग डिपार्टमेंट्स विच इंक्लूड्स RWD, अर्बन डेवलपमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट. तो हमारे डिपार्टमेंट ने, हम लोगों ने ये फैसला लिया, जो वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन मतलब आप समझिए कोई प्रोजेक्ट है, जो एस्टिमेट बनता है कि ये प्रोजेक्ट जो है कितना कॉस्ट होगा, इसका 1000 का होगा, 2000 करोड़ का होगा. वेरिएशन मान लीजिए 1 करोड़ का चल रहा था, अब जो है दाम कोई चीज़ों की बढ़ गई तो अब वो 1 करोड़ का ना होकर के 1500 करोड़ का हो गया. EOT अगर कॉन्ट्रैक्टर समय पे कर नहीं पाए चाहे किसी भी रीज़न से, तो उसको एक्सटेंशन देना, ठीक है और समय ले लो और समय के साथ पूरा करो. तो आप समझिए कि ये सारे जो मलाईदार जो फाइलें मंत्रियों के पास आती थी, इसमें से मंत्री का क्या लेना देना. मंत्री का तो काम है पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग करने का, समीक्षा करने का, रिव्यू करने का. लेकिन ये मंत्रियों के पास आता था. इसमें तो इंजीनियर्स वगैरह जानेंगे ना कि कितना ईंट लगेगा, कितना पत्थर लगेगा, कितना छड़ लगेगा ये बिल्डिंग बनाने में, ये रोड बनाने में कितना गिट्टी लगेगा, कितना अलकतरा लगेगा, क्या होगा उसमें, तो इंजीनियर का काम है. मिनिस्टर को क्या लेना देना. तो हमने एक प्रपोजल ला करके कैबिनेट लेकर के गए. काफ़ी इसमें जो है लोग परेशान हुए क्योंकि ज़्यादातर डिपार्टमेंट वर्किंग का, मेरा छोड़ दीजिए, तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों के पास वर्किंग डिपार्टमेंट था जहाँ से उनको जो है RCP टैक्स मिला करता था. तो वो RCP टैक्स के लिए, ये जो समझिए कि हमने एकदम पाबंदी लगा दी. हमने एक कमेटी बनाई, कमेटी जो है प्रधान सचिव के नेतृत्व में बना, और इस फाइल को मंत्री चाहे कोई भी वर्किंग डिपार्टमेंट का कोई करेगा नहीं, उनके पास आएगा नहीं. इंजीनियर का काम इंजीनियर जाने, अधिकारियों का काम अधिकारी जाने. तो ये काम समझिए कि करप्शन को बढ़ाता है या करप्शन को समाप्त करता है, इसका सवाल नीतीश कुमार जी दें. तो हमने तो करप्शन को रोकने का काम किया इन 18 महीनों में. लेकिन मेरे ऊपर केस जो लादा गया नीतीश जी और BJP के कृपा से, जब 13-14 साल के थे, 2005 का मामला, जब हम क्रिकेट खेला करते थे, तब कहा जा रहा कि तेजस्वी जब 2005 में करप्शन करता था रेलवे में बैठ करके, जब मूछ भी नहीं था मेरा. तो आप समझ जाइए कि 2005 का मामला अगर 2017 में आता है तो ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो आप देखिए, इस तरह से कृपा से CBI ED पीछे पड़ी,
लेकिन मुझे खुशी है कि चाचा के सहयोग से, ईडी और सीबीआई और मोदी जी के सहयोग से हमको एक लड़ने का जज्बा पैदा हुआ, और इसलिए हम लोग इस चीज़ों को झेल रहे क्योंकि हम जानते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम जानते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए भी इतने सितम धाने के बाद भी तो हमारा चेहरा दिखेगा खिला हुआ रहता है और मजबूती के साथ इनको चुनौती देने का काम करते हैं। ओके, एक ये है लॉजिक मास्टर, इन्होंने सवाल पूछा है कि श्री लालू यादव जी वाला हैप्पी वाला जो स्वैग है आप ला पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये नहीं, ये हम लोग नहीं ला सकते। देखिए लालू जी में जो खूबी है वो बहुत लोगों में नहीं, बहुत लोग लाने का कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं आ पाएगा। लालू जी मास लीडर रहे, हमेशा से जनता के बीच रहे, जनता के सवालों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, आंदोलन किया, छात्र जीवन से लेकर के अब तक अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे कितना भी उन पर सितम धाया जा रहा हो। तो इज़ अ ग्रेट लीडर, उसमें किसी को डाउट नहीं है, अगर ऐसे स्वैग लाने का कोई प्रयास मेरे बस की तो नहीं है। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा गठबंधन तोड़ने पर आपके आपका पहला रिएक्शन क्या था और उनके प्रति आपके मन में क्या विचार आया उस वक्त की बात? देखिए हमने तो दिल से चाचा माना था और हमारे पिता तो पहले कहा करते थे कि नीतीश जी के पेट में दांत हैं, लेकिन हमने तो कभी देखा नहीं था। अब देखने के बाद जो धोखा उन्होंने दिया, जनादेश का अपमान किया, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने विश्वासघात करने का काम किया और ये बात प्रमाणित हो गई कि उनके पेट में दांत है। और ये हम नहीं कहते हैं, ये जिनको लेकर के अभी हेलीकॉप्टर में दौरा कर रहे हैं, जहां घूम रहे हैं, उद्घाटन किया जा रहा है, वो आदमी तो नीतीश जी का पॉइंट पॉइंट जानता है कि कहां कहां है, आप समझ रहे हैं। तो नीतीश जी के साथ जो 24 घंटे रहता है, जब वो बताता है कि नीतीश जी क्या चीज है, और ये भी बताते, वो ये भी जानते कि नीतीश जी कैंची कैसे चलाते हैं अखबारों को लेकर के, ये भी उन्होंने कहा है, तो ये तो प्रमाणित है। अगला सवाल सिर्फ दो वर्ड्स का है, विकास या जातिवाद? विकास, डेवलपमेंट। हम लोग जातिवादी है ही नहीं, हम लोग जो हैं कभी भी इसकी बात नहीं, हम लोग तो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं। आप बताइए कि जाति व्यवस्था किसने बनाया, क्यों बनाया? क्या तेजस्वी जी या लालू जी ने जात बनाया है? ये कौन लोग थे जिन्होंने जात बनाने का काम किया? कौन लोग जो थे जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी? हम तो चाहते कि सब लोग एक साथ आए, अपर कास्ट के लोग हों, बैकवर्ड्स हों, दलित हों, ओबीसी के लोग हों, सब लोग इकट्ठे बैठे, इकट्ठे शिक्षा प्राप्त करें, कहीं ऊंच नीच ना, हम तो बराबरी की बात करते हैं, सब लोग बराबर रहें। अगर किसी का हक मारा जा रहा हो, अगर आप उसको अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी गई, तो इट डजंट मीन कि आप जातिवादी हैं, इसका एकदम मतलब नहीं है। तो आप देखिए ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो सोसाइटी में जहर फैलाने का काम करते हैं, आरएसएस और बीजेपी से बड़ा जातिवादी और कोई नहीं हो सकता। आप आरएसएस को हम क्यों बोलते हैं? एक ही कास्ट को छोड़ करके दूसरा आज तक आरएसएस प्रमुख क्यों नहीं बना? अगर आप केंद्र सरकार में अगर मंत्रिमंडल देखिएगा तो सबसे ज्यादा मंत्री एक ही कास्ट के हैं, क्यों हैं? पीएमओ तक अधिकारी एक ही कास्ट के हैं, क्यों हैं? तो ये देखिए, ये जो इंजाम लगाया जाता है, हम तो कहते हैं कि भाई गरीबी मिटाने की लड़ाई लड़ते हैं, हम तो सबको बराबरी की ले लड़ाई लड़ते हैं कि सब लोग बराबर रहे, इसमें ऊंच नीच होना ही नहीं चाहिए। और ये व्यवस्था तो हम लोगों ने बनाया नहीं है, यहाँ कोई भी लोग बैठे हैं ये बता दे कि ये व्यवस्था किसने बनाया है, कौन लोगों ने बनाया है, किन लोगों ने दलितों के पीछे झाड़ू लगाया और सामने गले में मटका टांगने दिया? क्या दलित इंसान नहीं है? मंदिर जाने का अधिकार नहीं है उसको? क्या उसको कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है? अच्छी शिक्षा
लेने की अधिकार नहीं है क्या? उसको समाज में सब लोगों के साथ बराबर बैठने का अधिकार नहीं है क्या? ये कौन व्यवस्था है, किसने बनाया भाई इसने? बताओ, बारात में अगर कोई दलित घोड़ी चढ़ता है तो उसको पीटा जाता है? अगर हम उसका विरोध करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जातिवादी हैं। तो ये बात समझने की जरूरत है। ऑडियंस में से कोई सवाल अभी, या आपको मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो शायद सवाल करना चाहते हैं। माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। हेलो सर, नमस्ते, मैं अभिषेक सिन्हा एंड ग्रुप से। सर, हमारा सवाल है कि अब तक के सबसे युवा नेता आप हैं, तो आपसे उम्मीद है लोगों को, युवाओं को, कि आगे चलकर अगर आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो युवाओं के लिए कुछ नया करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि पटना एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो रूम रेंट, यहाँ पे रूम रेंट का सामना करना पड़ता है, तो हाई रेंट है और इस तरह से बढ़ रहा है जैसे आगे चलकर और प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या आपसे ये उम्मीद रखा जा सकता है कि इस पे भी आपको कोई लगाम लगा सके? देखिए, यूथ को लेकर के हमने कई बार जो है, तीसरी बार जो है आप पूछ रहे हैं, इसके पहले भी हमने जवाब दिए हैं, लेकिन आपने जो रूम रेंट की जो बात की, इसमें आप लोग लिख करके दीजिएगा, हम लोग करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जिस जिस शहरों में बिहार के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं वहाँ भी पीजी लेना पड़ता है, वहाँ भी किराया उनके अनुसार देना पड़ता है। तो बिहार गवर्नमेंट को कम से कम ये ध्यान देना चाहिए कि कौन से शहरों में ज़्यादा हमारे लोग जो हैं पढ़ाई करने जाते हैं, और उनके लिए अलग से बिहार हॉस्टल करके बनाना चाहिए ताकि उनका रूम रेंट फ्री हो। तो इस पे हम लोग काम करेंगे। बात जब शिक्षा के, एक एक सवाल सबको लेने दीजिए प्लीज, कि बिहार में ये ऋषिकांत मिश्रा ने सवाल ये पूछा है। ऋषिकांत मिश्रा का है कि बिहार में शिक्षा जो है अशिक्षित जिम्मेदार शिक्षकों के प्रति क्या सुधारवादी सोच है और इसका निराकरण कैसे आप करेंगे? देखिए, बिहार में जो एजुकेशन जो सिस्टम जो है पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है। यहाँ जो व्यवस्था जो शिक्षा को लेकर के है, आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट का राज्य सरकार को फटकार लगाने का काम किया कि यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। कमरे नहीं है, शिक्षक नहीं है, जो पढ़ाई लिखाई जो शुरू से होनी चाहिए वो लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके लिए तो हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया नीतीश जी को कि आप बंद ही कर दो ना स्कूल, चला क्यों रहे हो? जब पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है, कमरे नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो हम लोगों को देखिए, एजुकेशन एकदम कंपल्सरी है, सब लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपके जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, जो पढ़ा सके। कई बार हम लोगों ने देखा है कि ऐसे टीचर हैं जो खुद भी स्पेलिंग भी ढंग से नहीं जानते, तो उनके लिए विशेष तौर पे कैंप चलाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको ग्रूम किया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी पूरी व्यवस्था जो है हम लोग जो है विद्यालयों को लेकर के वो करने का काम करें। अभी भी देखिएगा, विद्यालय जो है कई कई कोस दूर जाना पड़ता है लोगों को, और दिक्कत तो होती है, बेचारी जो छात्राएं होती हैं उनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कई दूर जाने में जो गरीब जो परिवार है वो लोग मना करते हैं। अभी भी नाम के लिए भी कुछ योजना जो है, आसपास स्कूल खोले गए लेकिन वो खाली है, जर्जर स्थिति में है। मतलब कि ऐसी समस्याएं बिहार गवर्नमेंट के पास हैं कि आपका बिल्डिंग भी तैयार हो गया लेकिन उसको हैंड ओवर करने वाले लोग नहीं मिलते। तो आप सोचिए, जहाँ पूरी व्यवस्था ना हो, अच्छे शिक्षक ना हो, तो वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। और इन सब चीज़ों पे हम लोग जो है, हमारी सरकार आती है तो ध्यान देने का काम करेंगे। स्पेशली जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग जो हो वो बढ़िया हो, अच्छे टीचरों की नियुक्ति हो, और विशेष तौर पे किताब हो उपलब्ध कराया जाए। ये सारी योजना तो चलती रहती हैं, लेकिन इस पे टीचर जो, मेरा जो टीचर है जो हमको शिक्षा देगा,
उस पर बड़ा निर्भर करता है ना, जो हमको शिक्षित करेगा। अगर वो अच्छा टीचर नहीं है तो किस प्रकार का आपको शिक्षा मिलेगा ये समझ जाइए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छा शिक्षक होना। बिहार में ये नौशाद आलम साहब ने पूछा है, और नौशाद साहब का सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा? क्या बिहार ने किसानों का कर्ज माफी पर तो आपने कह बात कह दी, जिन्होंने अभी अभी देखना शुरू किया होगा हैशटैग तेजस्वी की चौपाल वहां पर जो देख रहे हैं, तो एक बार फिर से ये छोटा सा रिपीटेशन रहेगा कि क्या बिहार में किसानों का कर्ज माफ हो सकता है? देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा ये सवाल जो है नीतीश जी और मोदी जी बताएंगे कि कब मिलेगा। अब नीतीश जी तो दिल्ली तक पहुंच जाते थे, अब तो पटना से निकलते ही नहीं है, तो उनको जाकर के बोलना चाहिए ना मोदी जी को कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। और मोदी जी ने पहले ही वादा किया था कि बिहार में भी सरकार आएगी, हालांकि चोर दरवाजे से आई, जनता ने नहीं माना बीजेपी को, लेकिन फिर भी सरकार में आ गई, तो कम से कम मोदी जी को तो पूरा कर देना चाहिए। और जब तक बैकवर्ड स्टेट लाइक बिहार आगे नहीं बढ़ेंगे, तरक्की नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास हो ही नहीं सकता। तो विशेष तौर पे बिहार जैसे राज्यों को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात जहाँ तक किसानों की तो किसानों के कर्ज माफ़ी के साथ साथ उनकी आय और आमदनी कैसे बढ़े, इस पर भी हमारी सरकार जो है विचार करने का काम करेगी। आप एक क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन बिहार में खेलों की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है और इस पर क्या सुधार करेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स की जो स्थिति है बिहार में, कहीं भी आप देखिएगा ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, रेसलिंग हो, एथलेटिक्स में जितने भी गेम्स होते हैं वो हो, एक बिहारी होने के नाते हम तो चाहेंगे ना कि बिहार का भी लड़का जाए, ओलंपिक्स में जाए, पार्टिसिपेट करे और गोल्ड मेडल लेकर के आए और बिहार का नाम जो है रोशन करने का काम करे। लेकिन उसके लिए हम लोगों को बेहद ज़रूरी है कि हम लोग जो है स्पोर्ट्स पे भी उतना ध्यान दें। अब ये ज़माना बदल चुका है, सिर्फ अच्छी एजुकेशन ही नहीं, साथ में इसका बैलेंस स्पोर्ट्स के साथ भी होना चाहिए। अगर हमारी सरकार बनती है तो विशेष तौर पे खेल कूद पे भी ध्यान दिया जाएगा। और जो बेस्ट पॉलिसीज ऑल ओवर इंडिया एक हरियाणा और एक पंजाब गवर्नमेंट के पास है, हम तो चाहेंगे जो हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट के पास जो पॉलिसीज हैं, जब तक आप इनकरेज नहीं करोगे, आप मोटिवेट नहीं करोगे स्पोर्ट्समैन को, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए वो पॉलिसीज़ को हम लोग अडॉप्ट करेंगे। कई ऐसे खिलाड़ी जहां अच्छे प्रदर्शन करते हैं उनको इनाम मिलता है, नौकरी मिलती है, तो इन सारी चीज़ों पे जो है पॉलिसीज़ को लेकर के और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। यहां आप देखिएगा, क्रिकेट हम तो खेला करते थे लेकिन हम बिहार को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि BCCI और बिहार क्रिकेट बोर्ड का अलग सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रहा था, अब जाकर के सॉर्ट हुआ है, तो उस मैटर से हम नहीं खेल पाए। लेकिन आप बता दो, एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है बिहार में जहां अच्छे मैच हो सके, क्यों नहीं है? तो इस पर ध्यान देना चाहिए। आखिर जो बजट जो सरकार जो अलॉट करती है तो उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? और हम चाहेंगे कि एक ट्विटर चौपाल में जो ऑनलाइन जो सवाल आते हैं, हम अपने मोबाइल में भी देख करके कुछ लोगों का जो सवाल आ रहा होगा वो लेने का काम करें। बिल्कुल, क्योंकि आप बताएं कि ये सिर्फ इंडिया ने देश विदेश से सारे सवाल आए हैं और कई हज़ार क्वेश्चंस हमारे पास पहुंचे थे, उसमें हमने सिलेक्ट किया है। अब यहां से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लाइव देखते हैं और क्या क्वेश्चंस आए हैं। लेट मी सर्च, उसमें से एक सवाल यहां पर आएगी। वैसे हमारे पास दो सवाल और हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि ये सभी जानना चाहेंगे। तो हैशटैग तेजस्वी की चौपाल, ये अभी आप सीधे 12 बजे से आप सभी अपने अपने ट्विटर के जरिए, एंड यस वी हैव मीडिया पर्सन ओवर हियर, तो सभी लोग आपके जरिए भी ये हम आज ये चौपाल तेजस्वी की चौपाल। एक क्वेश्चन आया है लालजी कुमार जी का है, जो कि ये पूछ रहे हैं, इन गया ब्रूटली केस द पुलिस एंड CIDs आर वर्किंग हार्ड टू रॉन्गली प्रूव द विक्टिम्स अंजना's इनोसेंट फैमिली एज कल्प्रिट ऑफ हॉरर किलिंग। तो ये
जो गया में जो घटना हुई है, हम इनको जवाब देना चाहेंगे लालजी कुमार जी को कि बहुत ही शर्मनाक घटना है ये, और पुलिस को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके लिए जिस प्रकार से लगातार बिहार में बच्चियों पर बलात्कार करके मार देने का जो केसेस है, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है रेप वगैरह में। इसमें हम लोगों ने गया में ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने अपने पार्टी की तरफ से एक कमिटी बनाई है। वो कमिटी जा कर के इनके परिवार के लोगों से और वहाँ जा कर के प्रशासन के लोगों से मुलाकात करेगी, और जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हमारी पार्टी जो है इस पर एक्शन लेने का काम करेगी। 5000 questions. ट्विटर पर भी उधर से भी सवाल आए नहीं? आप लोग तो कभी भी आप ट्विटर से बाहर भी निकल कर सकते हैं। एक और सवाल है जिसमें अभिषेक ने भेजा है कि ईवीएम को लेकर, कि ईवीएम के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है ऐसा इनका कहना है, और बैलेट से चुनाव हो ये सुनिश्चित करवाने के लिए आपके पास क्या कोई रोड मैप है? देखिए, ईवीएम का जहाँ तक हम लोग देखते हैं इश्यूज जो हैं, कई ऐसे सोशल मीडियाज़ पे वीडियोस जो हैं वो वायरल होते हैं। वो वायरल होता है कि भैया आपने किसी और पार्टी को वोट दिया लेकिन वोट जो है वो बीजेपी में ही जाता है, तो ये कहीं ना कहीं से शक पैदा करता है। और ईवीएम मशीन है, मशीन कहीं ना कहीं से वो जो है उस पर आप जो है आप उसको जो है आप बदल सकते हो, आप जो है उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। और जिस देश में जिसने ईवीएम चालू की उसी ने बंद कर दिया। अमेरिका में बैलेट पे होता है वोटिंग, आपका यूरोप में ईवीएम मशीन को जर्मनी वगैरह कई जगहों से बैन कर दिया गया, बैलेट पे वापस आ गए। तो जब पूरे देश जहाँ टेक्नोलॉजी आपके देश से कई गुना आगे है, जब वो विश्वास ईवीएम मशीन पे नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि ईवीएम से वोटिंग हो या बैलेट पे। इस पर इलेक्शन कमीशन में काफ़ी मीटिंग वगैरह चल रही है और हम लोग देखेंगे कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ये नहीं कि किसी के प्रभाव से, क्योंकि आजकल तो तानाशाही है। आजकल तो जितने भी संवैधानिक संस्थाने हैं उस पर प्रहार किया जा रहा है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे CBI हो, चाहे RBI हो। आप देखिए CBI के डायरेक्टर रिज़ाइन कर रहे हैं, आप देखिएगा कि RBI के दो जो थे चेयरमैन उन्होंने रिज़ाइन करने का काम किया, जो कि देश ने कभी नहीं देखा। और अब जो है इलेक्शन कमीशन पे भी आपको पता होगा कि बीजेपी के एक वर्कर ने पहले ही चुनाव के डेट से ऐलान कर दिया कि कौन से राज्य में कब कौन से दिन चुनाव होंगे। तो ये कहीं ना कहीं से जो विश्वसनीयता है, जो विश्वास जो है लोगों का संस्थानों पर से, वो कहीं ना कहीं से टूटता जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ट्विटर से भी एक दो सवाल जो आपके पास लगातार हजारों हजार क्वेश्चंस आ रहे हैं, और #TejasviKiChopal इस पर अपने सवाल आ रहे हैं। और पता है कि सामने से भी बहुत सारे सवाल, मुझे लग रहा है कि सारे सवाल हमने कर लिए हैं जो आपके मन में एक मुझे लग रहा है एक सवाल आया। एक नेहा विश्वास जी का सवाल है कि सृजन घोटाले और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस भी रफाल की कीमत की तरह हो गई है, जनता सब है मगर कुछ होता नहीं है, जनता सब जानती है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, अपराध अपराधी हैं सामने, सबूतों के साथ हो रही छेड़खानी है। तो इन्होंने एक पोएट के हिसाब से इन्होंने सवाल पूछा है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को लेकर के और आपका जो सृजन घोटाला को लेकर के। देखिए सृजन घोटाला जो है, हम लोगों ने सृजन घोटाले में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, हम लोगों ने विधानसभा के पटल पे भी रख दिया सबूत के साथ। सुशील मोदी जी की बहन के अकाउंट में करोड़ों रुपए जो है सृजन के खाते से गए, उसका जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो हमने हाउस के अंदर रखा। RBI की चिट्ठी जो है, जो सृजन जो गलत तरीके से इल्लीगली तौर पर बैंक चला रही थी, 2012 ही में आ गया था मुख्यमंत्री जी के पास, उसको हमने रखा। 2008 के CAG के रिपोर्ट में ही आ गई थी, उसको भी हम लोगों ने जो है पटल पर रखने का काम किया। लेकिन जो मेन अक्यूज मनोरमा देवी के बेटे और मनोरमा देवी के बहू जो मेन कल्प्रिट है, आज तक उन पर कुछ नहीं हुआ, वो खुलेआम घूम रहे हैं।
क्योंकि सत्ता में वही लोग हैं जो सृजन घोटाले करने में उनका योगदान रहा और उनको ही वो सरकार में बैठे लोग संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। शेल्टर होम में आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम लोग जंतर मंतर नहीं जाते, आंदोलन नहीं करते, तो किसी पे केस मुकदमा नहीं होता। अब तो आए दिन जो है सुप्रीम कोर्ट जो है नीतीश जी को फटकार लगाने का काम कर रही है। अब तो जितने भी होम शेल्टर्स थे 17, यानी सुप्रीम कोर्ट का विश्वास नहीं रह गया बिहार पुलिस पे। अब उन्होंने CBI को सारे केसेस सौंप दिए हैं कि सबकी जांच होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने तो होम शेल्टर को लेकर के नीतीश जी को फटकार लगाई है। उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये स्टेट द्वारा स्पॉन्सर्ड था एंड इट वॉज द मोस्ट शेमफुल हॉरिबल इंसिडेंट। और सरकार ने क्या केस मुकदमा किया था पता आपको? किसी को पता नहीं होगा, हाथापाई का केस मुकदमा दर्ज किया था, जो बच्चियों के साथ जिस प्रकार से गैंगरेप किया जाता था, गलत काम कराया जाता था, मार दिया जाता था। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको तो FIR भी ढंग से नहीं कराने आता है, जा करके पॉक्सो बाद में लगाया गया कानून, तो अब जा करके ये जो है कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप देखिए, दो दो महीने तक जो मेन कल्प्रिट है उसका FIR में नाम नहीं था आफ्टर द रिपोर्ट ऑल्सो। इसमें तो डायरेक्टली CM का इन्वॉल्वमेंट है, हम तो दावे के साथ कह सकते हैं। और अभी भी ऐसे कई मंत्री हैं, हम तो बताना चाहेंगे, कई ऐसे मंत्री हैं जिनका अभी भी कार्रवाई नहीं की गई। अभी तो एक ही का इस्तीफा लिया गया, अभी कई ऐसे मंत्री हैं और नीतीश जी के ऐसे करीबी हैं जिन पे कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनको बचाने का काम किया जा रहा है। ये थोड़े दिन बाद समय में ये सारा जो इनका चिट्ठा है ये सारा खुलने जा रहा है। तो इसमें देखिएगा, जो नीतीश जी के खास करीबी लोग हैं सबका नाम सामने आएगा, और जो मेन कल्प्रिट है वो JDU का ही पार्टी का है, उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो नीतीश जी ने अपने मुंह में बर्फ जमा के रखा, दही जमा करके रखने का काम किया, कभी भी होम शेल्टर के बारे में खुल के नहीं बोले। तो ये गंभीर मामला है। ये दोनों सृजन घोटाला और होम शेल्टर को लेकर के हम लोग, जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलता हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। एक एक दो आखिरी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आप प्लीज ऑडियंस में से। क्योंकि सब में कुछ पूछने की। नमस्ते तेजस्वी जी, मैं मधेपुरा से सक्षम यादव। मेरा कहना है कृषि कर्ज माफी से ज्यादा जरूरी उसकी आय दोगुना करना है या नहीं? नहीं तो हम बोले ही, हमने किसानों के सवाल पे जब कर्ज माफी का आया तो हमने बोला है कि कर्ज माफी के साथ साथ किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय कैसे हो, इस पे हम लोगों का ध्यान रहेगा। मैं बता दूं कि बिहार चौपाल चौपाल है ये, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर बिल्कुल उसी चौपाल के अंदाज में, लेकिन ये डिजिटल चौपाल है जो अब ट्विटर पर पहुंच चुका है। जब जहां गांव घर में आप शायद किसी को देखने का मौका मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आज इस सीन को देख करके लग रहा है कि वाकई में आप सभी चौपाल में बैठे हुए। इसे डिजिटल के माध्यम से आप सभी भी यहाँ पर ट्विटर पर भी आप #तेजस्वी की चौपाल, जहाँ पर देश विदेश में सभी तरह के सवाल आ रहे हैं आपकी तरफ से भी आ रहे हैं। यहाँ पर लिट्टी चोखा भी रखा गया है ताकि चौपाल का जो असली मजा है, जो बिहार की जो खुशबू है, जो खाने की खुशबू है, उसे आप ले सके। चलिए सवाल एक पूछना चाहते हैं, क्या एक सवाल देकर के लास्ट क्वेश्चन। मेरा नाम विभो रंजन है। सबसे पहले RJ शक्ति और तेजस्वी जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग डिजिटलाइजेशन को बिहार के जमी पे लेके आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। आज हम लोग ट्विटर पे क्वेश्चन को यहाँ पे बिहार के समक्ष सवाल जवाब कर रहे हैं। तो इसमें मेरा यही क्वेश्चन है सर कि अभी बिहार का करेंट रेवेन्यू जो है वो 16% डिप्रिसिएट हो गया, तो बाकी केरला देखे या फिर और राज्य की देखे तो अपने अपने डोमेस्टिक चीजों से उठाए, जैसे केरला ने मत्स्य पालन उठाया और अपने रेवेन्यू को कंप्लीट किया है, बिहार इसके लिए क्या करेगा कि अपने रेवेन्यू को फिर से ऊपर ले जा पाएगा? देखिए, बिहार में रेवेन्यू का जो है काफी, जो नीतीश जी की पॉलिसी रही है उससे काफी नुकसान भी किया है। और अगर आप देखेंगे कि बिहार जो बैकवर्ड स्टेट है उसको कहीं ना कहीं से सहायता की ज़रूरत है। अगर बिहार जैसा स्टेट अगर स्पेशल स्टेटस की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं से आपको जो बिहार का जो बोझ है वो हल्का करना पड़ेगा। अभी बिहार सरकार जो है चल रही है केवल आपके उधार के वजह से, बिहार सरकार पूरे उधार के वजह से चल रही है। उधार है वर्ल्ड बैंक का है,
जायका का है, ब्रिक्स का है, हम इनसे उधार ले करके हम काम करते हैं। और क्योंकि केंद्र सरकार में बैठे हुए मोदी जी बिहार को अधिकार ही नहीं देना चाहते, वो बोलते हैं कि हम नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं से जो सेंट्रली स्कीम्स हैं उसमें बिहार का, जैसे मैंने पहले बोला कि जहां 15% बिहार को शेयर लगाना पड़ता था, अब 50% लगाना पड़ रहा है। तो आप समझिए कि कितना भार जो है मोदी जी के आने के बाद से बढ़ गया है। और भी कई बिहार में जो कारण हैं, जो पॉलिसी या नीतीश जी का जो एरोगेंट जो छवि जिस प्रकार से सामने आया है कई चीज़ों को लेकर के, बालू बंदी तो ये बंदी तो वो बंदी, इससे भी बिहार के रेवेन्यू को हद तक नुकसान हुआ है। तो वो जनरेट कैसे करेंगे, ये सवाल तो नीतीश जी से खास तौर पे हम, आपका सवाल आने वाले विधानसभा में अगर वो साथ बैठेंगे मेरे सामने, हालांकि बैठते नहीं हैं, हमारी कोशिश होगी कि वो बैठे और ये सारे सवाल को उनसे हम पूछने का काम करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और बिहार को विशेष पैकेज कब मिलेगा। थैंक यू तेजस्वी जी। और ये हैशटैग तेजस्वी की चौपाल, ये सिर्फ सवाल यहीं तक नहीं रह जाएंगे, ये सवाल आगे भी आप कर सकते हैं। ये सवाल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सवाल करेंगे नहीं आपको जवाब मिलता नहीं है, और आप फिर उस दुनिया में खो जाते हैं कि हम कहाँ हैं। तो खुद को अगर पाना है, खुद को अगर जगह देना है, तो आप सवाल आना बहुत ही जरूरी है। तो हैशटैग तेजस्वी की चौपाल में सवाल अपना जारी रखिएगा, क्योंकि ये सवाल का जवाब सिर्फ यहाँ से ही नहीं, चौपाल से ही नहीं, आपको वहाँ पर भी मिल सकते हैं।